हमारा भारत एक बहुत ही डेवलपिंग एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसमें एज एन इंडियन सिटीजन हम लोगों को बहुत से ऐसे राइट्स दिए गए हैं जो कि ज्यादातर भारतीय जानते ही नहीं, जिसके कारण वो किसी तरह की करप्शन और मुसीबत को बुलावा दे बैठते हैं। तो जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक उन्हीं लीगल राइट्स के ऊपर है जिनके बारे में जानकर हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। हमारा पहला अधिकार पुलिस एक्ट 1861 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, लॉ में प्रोविजन है कि हर एक पुलिस ऑफिसर हर टाइम पे ऑन ड्यूटी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी तरह के क्राइम की उसको कोई खबर लगी है या फिर आधी रात पे कोई क्राइम हुआ है तो वो ये नहीं कह सकता कि मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ। पुलिस एक्ट 1861 में साफ साफ लिखा गया है कि पुलिस ऑफिसर्स को भी रेस्ट करने का अधिकार है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने फर्ज को भूल जाए। तो इसलिए वो हमेशा आपके लिए अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, चाहे वो अपनी यूनिफॉर्म पहने या ना पहने। हमारा दूसरा अधिकार कहता है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर के सामने किसी तरह का प्राइमा फेसाई कोई केस बनता है तो वो एफआईआर लिखने से एफआईआर लॉन्च करने को मना नहीं कर सकता, पर अगर वो ऐसा करता है तो इंडियन पिनल कोड सेक्शन 166A के तहत उसको 6 महीने से लेके 1 साल तक की सजा हो सकती है। अधिकार ये कहता है कि कोई भी हेड कांस्टेबल किसी तरह का फाइन नहीं लगा सकता उस ऑफेंस के लिए, उस अपराध के लिए जिसकी एट प्रेजेंट खुद की ही पेनल्टी पनिशमेंट 100 रुपए हो, बट अगर कोई ऐसे छोटे मोटे अपराध को एक से ज्यादा करता है, ट्रैफिक रूल की वॉयलेशन एक से ज्यादा करता है, तो वो चलान का रूप ले लेगा, जिसके कारण उसको चलान की सजा दी जा सकती है, उसको जुर्माना लग सकता है। ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा दी गई थी। अगला अधिकार जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के साथ जुड़ा है, जिसमें साफ साफ ये प्रोविजन है कि अगर किसी भी व्यक्ति का किसी भी अपराध में कोई चलान हो जाता है तो उसका सारे दिन में वो दोबारा किसी तरह का जुर्माना नहीं लग सकता। जैसे कि हेलमेट ना पहनने के कारण आपका एक बार जुर्माना आपको लग गया, आपका चलान हो गया, तो उस पूरे दिन में आपका दूसरी बार जुर्माना नहीं लगेगा, आप सारे दिन में बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर चला सकते हो। अगर हम साइकिल या रिक्शा की बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट की कोई भी प्रोविजन, कोई भी लॉ, कोई भी पेनल्टी साइकिल या रिक्शा के ऊपर नहीं लगती, इसलिए आपको किसी भी तरह की पेनल्टी या फिर फाइन नहीं देना पड़ेगा अगर मोटर व्हीकल एक्ट साइकिल या रिक्शा के ऊपर आपको लगवाया जाता है। हमारा अगला अधिकार जो कि टैक्स के साथ जुड़ा है, इसमें अगर आप टैक्स की किसी तरह की उल्लंघना करते हो तो TRO टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि वो आपको अरेस्ट कर सकता है, चाहे आपके पास उस टाइम तक समन नहीं भी पहुंचे। जो टैक्स कमिश्नर होता है वो जस्ट सिर्फ आपको ये डिसाइड करता है कि आप कितनी देर तक कस्टडी में रह सकते हैं, अदरवाइज आपको अरेस्ट करना या फिर आपको रिलीज करना वो हर एक चीज टैक्स रिकवरी ऑफिसर वो ही डिसाइड करता है, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में मेंशन है। इसलिए अगर आप कभी टैक्स की उल्लंघना करते हैं तो आपको टैक्स रिकवरी ऑफिसर अरेस्ट करता है तो आप उसके साथ नहीं बहस सकते। अधिकार नंबर 7, किसी भी महिला को अगर किसी तरह से अरेस्ट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल ऑफिसर ही कर सकते हैं, मेल ऑफिसर के पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है। अगर ऐसा कोई भी मेल ऑफिसर करता है तो वो महिला उसको मना कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है, बट इन केस कोई सीरियस क्राइम है तो इसके लिए मैजिस्ट्रेट से कोई रिटर्न में परमिशन लेनी होगी, तभी वो मेल ऑफिसर उस महिला को, उस फीमेल को अरेस्ट कर सकता है। किसी भी महिला को आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज से अरेस्ट नहीं किया जा सकता, मतलब कि सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 46 में मेंशन है। कोई भी कंपनी किसी भी फीमेल को, वुमन को प्रेगनेंसी के आधार के ऊपर अपनी नौकरी से नहीं निकाल सकती, अगर वो ऐसा करती है तो मटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगले अधिकार में, अगर आपका किसी के साथ कोई लेन देन है, मतलब कि अगर आपसे कोई काम करवा रहा है, आपको कोई पे कर रहा है, अगर उसने आपको पैसे नहीं दिए तो आप उसके अगेंस्ट एफआईआर फाइल
करवा सकते हैं। उसके लिए आपके पास 3 साल का समय है, पर अगर आपने 3 साल के समय के अंदर अंदर FIR उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं करवाया तो आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए जिसके तहत 3 साल के बाद भी आपका केस एक्सेप्ट हो जाए, अदरवाइज 3 साल के बाद आपका केस आपकी FIR नहीं होगी। इस अधिकार में आपके पास ये है कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी होटल में जाकर, चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, मुफ्त में पानी या वॉशरूम यूज कर सकते हो। ऐसा इंडियन श्रेयस एक्ट 1887 में दिया गया है। आपके अगले अधिकार में अगर कोई भी कंपनी आपको किसी फेस्टिवल ओकेजन के ऊपर कोई गिफ्ट कोई तोहफा देती है तो वो करप्शन की कैटेगरी में आ सकता है, जिसके कारण आपको जेल भी हो सकती है। ऐसा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में प्रोविजन दी गई है। आपके पास ये भी अधिकार है कि कोई भी दुकानदार आपसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर है उससे ज्यादा नहीं मांग सकता। आपके पास अधिकार है कि अगर आपके पास कोई ऐसा आपने प्रोडक्ट लिया जो कि 100 रुपए का है तो आप उसकी बार्गेनिंग करके 90 रुपए का ले सकते हैं, बट दुकानदार के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो आपको 110 रुपए का उसको दे। ऐसा मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक्ट 2014 में इसकी प्रोविजन है। एज पर हिंदू मैरिज एक्ट, कोई भी हस्बैंड और वाइफ डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर किसी तरह की एडल्ट्री होती है, कोई मेंटल फिजिकल अब्यूजमेंट होता है, कोई भी बिना किसी बात के घर को छोड़ के चला जाता है, इम्पोटेंसी हो जाती है, या फिर किसी तरह का हिंदू धर्म को चेंज कर लेता है, किसी और धर्म में चला जाते हैं, या फिर कोई भी पत्नी अपनी पति को अपने माता पिता से दूर रहने के लिए जिद करती है, तो कोई भी पर्सन कोई भी स्पाउस डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 में मेंशन है। अगले अधिकार में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में साफ साफ लिखा है कि अगर किसी भी हिंदू के पास कोई सन है तो वो डॉटर अडॉप्ट कर सकता है, उसके उलट अगर किसी के पास डॉटर है तो वो सन अडॉप्ट कर सकता है, बट अडॉप्शन के लिए भी 21 साल तक की उम्र एज गैप होना चाहिए। सबसे कम नागरिक है जिनको इस अधिकार के बारे में पता है, जैसे कि किसी सिलेंडर के कारण, किसी गैस सिलेंडर के कारण कोई ब्लास्ट हो जाता है जिसमें जान माल का किसी तरह का नुकसान हो जाता है, तो उस विक्टिम को कंपनसेशन के तौर पर लाखों की कंपनसेशन मिल सकती है। उसके लिए FIR दर्ज करवानी पड़ेगी और उसको कंसर्न गैस एजेंसी के पास सबमिट करवाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, सो दैट मैं आपकी क्वेरीज के रिलेटेड जो भी वीडियोस डालूं आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।